घटिया तहसील के ग्राम बड़वाई में रहने वाले दंपति ने आज प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने बताया कि मैं मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता हूं, साथ ही मेरी पुत्री जो कि नाबालिग है वह विद्यालय में अध्ययन करती है। महिला ने आरोप लगाते हुए बताया कि मैंने एक टीन सेट का कच्चा मकान सरकारी भूमि पर बना रखा है तथा इसी क्षेत्र में करीब 30 से 40 कच्चे और भी कई पक्के मकान कई वर्षों से बनाए गए, लेकिन मेरे पड़ोसी रवि पिता शंकरलाल अंजाना, शंकरलाल पिता रामचंद्र अंजाना पर्वतलाला जरा द्वारा मुझे मेरे टीन शेड का मकान खाली करने के लिए दबाव बनाते हैं। साथ ही मेरी नाबालिग पुत्री को रास्ते में रोककर उसे अभद्र व्यवहार कर उसे डराते धमकाते हैं तथा जान से मारने की धमकी भी देते हैं। मेरे साथ भी गंदी गंदी गालियां देकर भरे गांव में मेरी बेइज्जती करते हैं। उक्त तीनों ने मिलकर हमारे खिलाफ कलेक्टर और तहसीलदार को झूठी शिकायत दर्ज की है। साथ ही क्षेत्रीय पटवारी मदन मारू जो कि भ्रष्ट व लालची है, जिसने PHE की सरकारी जमीन को विक्रय कर दिया है, वह भी उक्त तीनों के साथ शामिल है तथा मकान को खाली कराने में भागीदार है। हमसे रिश्वत के रूप में 30,000 रुपए की मांग करता है, कहता है कि राशि देने पर तुम्हारा मकान ऐसे ही रहेगा, हम गरीब दंपति इतना पैसा कहां से ला कर दे। मैंने उक्त तीनों के खिलाफ थाना भैरूगढ़ में एक शिकायत आवेदन भी दिया है, अथवा मेरे परिवार के साथ कोई अप्रिय घटना ना हो सके, मेरे द्वारा उक्त तीनों के खिलाफ अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। लड़ाई झगड़ा मतलब गंदी नज़र से हमको बोलते हैं, वो परबत सिंह पटेल बोलता है, बोले कि ऐसा ऐसा, मतलब वो गलत शब्द बोलता है मेरे को,
और रवि 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 पिता संकलत, वो छोरा बार बार मेरी लड़की नाबालिग है उसकी धमकी देता है, बोलता है कि बोले तेरी लड़की पढ़ने जाती है तो मैं उसको उठा लूँगा, भेज दूँगा, कहाँ पे तेरा पता नहीं चलने दूँगा इस छोरी का, ऐसे ऐसी धमकी देता है वो मेरे को, और गांव में से भगा देंगे हम तेरे को, ऐसा कुछ तूने हमारे साथ में ऐसा कुछ करेगा तो हम नहीं भगाएंगे, ऐसा बोलते हैं। वो दुश्मनी बस सब वैसे ही मेरे तार बिजली के तार निकाल देता बार बार, बोलने गए तो उसने ऐसा झगड़ा किया हमारे साथ। सरकारी जगह में रह रहे सब गरीब लोग ही हम, वहाँ पे हमको 10 साल हो गए, 10 साल हाँ पटवारी बोलता है, बोले मेरे को 30,000 रुपये दे दो तो हम तुम्हारी झोपड़ी नहीं हटाएंगे उतना, और आपको व्यवस्था करवा देंगे यहाँ रहने की। क्या नाम है आपका? कला भाई।